नमस्कार दोस्तों, गांव किसान पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुष्कर। दोस्तों, ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पे गांव किसान पे भी देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं अप्रैल माह में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। कौन कौन से वो कृषि कार्य हैं जो अप्रैल माह में करेंगे, जिनसे कि उपज अच्छी होगी और आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं अप्रैल माह में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कृषि कार्य कौन कौन से हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों के पास उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कौन से मौसम में कौन सा कृषि कार्य करना है उसकी भी उचित जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए आज की वीडियो में आपको वो कृषि कार्य बताते हैं जो अप्रैल माह में करने काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपकी फसल की उपज अच्छी होगी और आप अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो सबसे पहले जो गेहूँ की फसल में आप क्या कर सकते हैं अप्रैल माह में, फसल काटने से पहले खरपतवार या गेहूं की अन्य प्रजातियों की बालियों को निकाल देना चाहिए, जिससे कि मड़ाई के समय इनके बीज गेहूं की बीज में ना मिलने पाएँ। अब जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर आदि फसलों की जो कटाई मड़ाई है उसका सही समय पर काम पूरा कर लें। अगर सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में हरे फुदके पत्तियों के रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फॉस्फेमिडान 250 मिलीलीटर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर उर्द और मूंग की बात करें तो उर्द की बुआई का समय अब निकल गया है, लेकिन मूंग की बुआई 10 अप्रैल तक की जा सकती है। उर्द और मूंग की फसल में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम कर लेनी चाहिए, या कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इनकी रोकथाम या नियंत्रण की सलाह आप ले सकते हैं। शरदकालीन या बसंतकालीन गन्ना की अगर बात करें तो फसल की ज़रूरत के मुताबिक समय समय पर सिंचाई करते रहें। गन्ने की दो कतारों के मध्य इस समय मूंग की एक कतार बोई जा सकती है। अगर चारे फसलों की बात करें तो बीज वाले बरसीम खेत में हल्की सिंचाई करें, अन्यथा वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी और बीज उत्पादन घट जाएगा। अगर सब्जियों की खेती की बात करें तो नर्सरी तैयार करने के लिए लो टनल पाली हाउस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार होगी। बैंगन में तना छेदक कीट के बचाव के लिए नीमगिरी 4% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करने से अच्छा परिणाम मिलता है। वहीं अगर भिंडी लोबिया की बात करें तो फसल में पत्ती खाने वाले कीट से बचाने के लिए ट्यूनाल फांस 20% 1 लीटर प्रति 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल का छिड़काव कर लें। लहसुन प्याज की खुदाई कर लें, खुदाई के 10 से 12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। लाल भ्रंग कीट रोकथाम के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से कीट पौधों पर नहीं बैठते हैं। सूरन की बुआई पूरी माह और अदरक व हल्दी की बुआई माह के दूसरे पखवाड़े में की जा सकती है। प्रति हेक्टेयर अदरक की बुआई के लिए लगभग 18 कुंटल और हल्दी के लिए 15 से 20 कुंटल व सूरन के लिए 75 कुंटल बीज की ज़रूरत होती है। बुआई से पहले हल्दी व अदरक के बीज को 0.3% कापर ऑक्सीक्लोराइड कीट रक्षक रसायनों के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर हम फलों की खेती या बागवानी की बात कर लें तो आम में गुम्मा रोग, जिसे माल फॉर्मेशन भी कहते हैं, से ग्रस्त पुष्प मंजरियों को काटकर जला देना चाहिए या गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। आम के फलों के गिरने से बचाने के लिए अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 4.5 SL को 20 मिली को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। लीची के बगानों में ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई करते रहें। लीची में फ्रूट बोरर की रोकथाम है तो डाइक्लोरोवास 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या 2 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेल और पपीता की सिंचाई करते रहें। अगर हम पुष्प व सगंध पौधों की बात करें तो गर्मी में फूल जैसे जीनिया, पारचुलाका व कोचिया के पौधों की सिंचाई व निराई गुड़ाई कर दें। मेंथा में 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई व तेल निकालने हेतु तो प्रथम कटाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल के महीने में किए जाने वाले कृषि कार्य जिनको कि आपको करना अति आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले।
तो दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।